नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है, जहां किसानों को ये सरकार दे रही है स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसा, यानी किसानों को बहुत ही बड़ा तोहफा मिला और किसानों की बल्ले बल्ले हुई है। तो अभी आपको बताएंगे कि कौन सी सरकार किसानों को स्मार्टफोन दिला रही है और ये फायदा किसानों को कैसे मिलेगा। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, लेकिन उससे पहले एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान पर क्लिक करें, ताकि आपको आगे भी किसान योजना की पल पल की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कृषि कानून वापसी के बाद ये सरकार दे रही है किसानों को स्मार्टफोन के लिए पैसा, जाने पूरी योजना। तो फार्मर फोन स्कीम को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जो कि किसानों में खुशी की लहर लेकर आ चुकी है। तो यहाँ पर अभी आपको बताते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी। तो देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में एक साल से जारी किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद से राज्य सरकारें भी अपने अपने तरीके से किसानों को लुभाने में जुटी है, और अब गुजरात सरकार ने भी किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1500 रुपए प्रति परिवार मदद देने का ऐलान किया है। तो गुजरात के किसान कल्याण और सहकारिता विभाग की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक ये योजना सिर्फ उसी राज्य के किसानों के लिए है। गुजरात में जिन किसानों के पास निजी जमीन है, वे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। वे किसान अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। उस फोन की कुल कीमत का 10% हिस्सा सरकार की ओर से किसान को दिया जाएगा, यानी कि 10% राशि सरकार किसानों को देगी। मान लीजिए यदि आपने 15,000 रुपए का कोई स्मार्टफोन खरीदा है, तो आपको 1500 रुपए का फायदा इस योजना के जरिए होगा, बाकी रकम किसानों को खुद देनी होगी। वही योजना के अनुसार प्रति परिवार केवल एक किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही संयुक्त जोत वाले मामले में भी केवल एक लाभार्थी को स्कीम का लाभ दिया जाएगा। वहीं विभाग के मुताबिक इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए गुजरात के भूमिधारक किसान पोर्टल के जरिए सरकार को आवेदन कर सकते हैं। यानी कि गुजरात सरकार का जो ऑफिशियल खेती बाड़ी का पोर्टल है, वहां पर जाकर इस योजना के लिए सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना होगा, फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आप इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। वहीं ये स्मार्टफोन किसान को आवेदन स्वीकार होने के बाद खरीदना होगा। उसके बाद किसान को स्मार्टफोन के खरीद बिल की एक प्रति, मोबाइल का IMEI नंबर, एक रद्द चेक और अन्य आवश्यक कागजात विभाग में जमा कराने होंगे। तब जाकर 1500 रुपए की धनराशि आपके खाते में पहुंचेगी। और सर्कुलर में विभाग ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि इस स्कीम में केवल स्मार्टफोन की कीमत शामिल है, इसमें पावर बैंक, ईयरफोन, चार्जर और दूसरी चीजें शामिल नहीं है। सरकार का कहना है कि जब किसानों के पास अपने स्मार्टफोन हो जाएंगे, तो वे खेती में नई तकनीकों के इस्तेमाल, मौसम के पूर्वानुमान और बीज फसल के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ ही वे किसान फोन आने के बाद राज्य और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में भी बेहतर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार ये किसान योजना को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई थी, जो कि आप सभी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी से कम नहीं थी। तो दोस्तों, इस प्रकार ये पूरी जानकारी थी। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।